हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। तो अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं जिम। आज शाम को थोड़ा सा काम है इसलिए जिम हम लोग अभी करेंगे। लेग का सेशन थोड़ा सा कोशिश करेंगे शेयर कर सकें, ज़्यादा शेयर कर सकें। अगर आप लोगों को इस टाइप का ब्लॉग पसंद आता है तो मुझे रिकमेंड करना। आगे से हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ही हम लोग कंटेंट लाएँ, थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं लेकिन आज थोड़ा बहुत ऐसा कंटेंट भी लाएँ जिसमें कि सिर्फ पूरा वर्कआउट मैं आप लोगों को बताऊं या फिर थोड़े से पार्ट में कुछ वर्कआउट की चीज़ें बताऊं, तो ज़रूर बताना। और अभी चलते हैं जिम के अंदर और जिम को हिट करते हैं। तो अभी तक के वर्कआउट में हम लोगों ने सिर्फ अभी तक जो हिट किया है वो है स्क्वाट्स और हैमस्ट्रिंग की एक एक्सरसाइज, इसको RDL कहते हैं। तो एक हम लोगों ने स्क्वाट्स लिए थे, मतलब 3 सेट उसके लिए थे, तो एक क्वाड्स की और एक हैमस्ट्रिंग की करी है जिसमें कि 3 सेट उसके लिए। स्क्वाट्स नहीं कर पाए, मतलब मैंने फुटेज बाद में देखी और वो प्रॉपर नहीं थी फुटेज और उसके बाद सेट्स भी नहीं बचे थे तो मैंने फिर उसको किया नहीं रिकॉर्ड। लेकिन स्क्वाट्स आप लोग देख चुके हो, नहीं देखा है तो रील्स में देख सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। और अभी हम लोग पहले करेंगे एक काप्स की एक्सरसाइज, उसके बाद एक एक और करेंगे क्वाड्स की और एक हैमस्ट्रिंग की। तो स्टे ट्यून और मिलते हैं आगे चल के भी। बाकी दोपहर में इतनी गर्मी रहेगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन काफ़ी गर्म है। जो लोग दोपहर को वर्कआउट करते हैं और जिम में AC जिनके कम है उनको मेरी तरफ से थम्स अप। और मैं पहली बार दोपहर में ट्रेन कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो मैंने सबसे जल्दी किया वो 4 बजे अप्रॉक्स किया है, तो सभी को थम्स अप जो लोग दोपहर में वर्कआउट करते हैं। और अभी अपने वर्कआउट को भी कंटिन्यू करते हैं। जिम से आ गए, खाना खा लिया। अब मम्मी ने आम का पना बोला था, उन्होंने बना के रखा हुआ है पूरी, मतलब मैंने बहुत टाइम से नहीं पिया है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मैंने काफ़ी टाइम से किए ही नहीं है। तो खैर अभी फ्रिज में आम का पना रखा हुआ है, उसको हम लोग थोड़ा सा ग्लास में लेंगे, लेट्स सी कैसा लगता है। और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, और आई थिंक इसमें बर्फ़ भी डालनी चाहिए, क्या कहते हो? काफ़ी टाइम बाद, थोड़ा खट्टा भी होता है और ये खट्टा होता है ये इसका स्वीटेस्ट पार्ट होता है, यही मज़ा होता है आम पना पीने का। मैंने 3 बर्फ़ भी इसमें डाल ली हैं, तो ठंडा भी है, मज़ा भी आ रही है। इसके बाद चलेंगे हम लोग काम से और उसके बाद हम लोगों को चलना है कानपुर से बाहर। गेस करो हम लोग कहाँ जा सकते हैं और कानपुर के बाहर हम लोग कहाँ जा रहे हैं वो आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। भले ही ये व्लॉग थोड़ा सा छोटा हो जाए लेकिन मैं इसमें नहीं रिवील करने वाला कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। पैकिंग अभी बाकी है, जबकि आज ही निकलना है तभी पैकिंग बाकी है। पैकिंग थोड़ी देर बाद करेंगे या मे बी शाम तक, क्योंकि रात में अप्रॉक्सली निकलना है तो शाम तक पैकिंग करेंगे। सिर्फ 2 दिन के लिए हम लोग चल रहे हैं और तब तक इस व्लॉग में कमेंट करो कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और बताओ यार जल्दी जल्दी थोड़ा सा कमेंट करके, थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, थोड़ा लोगों से पूछो, थोड़े मेरी इंस्टाग्राम की रील्स को स्क्रॉल करो, शायद वहाँ पे पता चल जाए कि हम लोग कहाँ गए। तो गो फॉर इट और जल्दी जल्दी बताओ।
और मैं इस टाइम पे अपने यूट्यूब से ज़्यादा थोड़ा सा इंस्टाग्राम को फोकस कर रहा हूँ। तो फोकस करने का मतलब ये है कि उस पर ग्रो करने की थोड़ी थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ, उसके एल्गोरिदम को समझने की, उसके अकॉर्डिंग वर्क करने की। तो वहाँ पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा चल रहा है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे वीडियोस थोड़े हो सकता है कम मिल रहे हैं। और अगर आप लोगों को मुझसे कनेक्टेड रहना है कि आप लोगों को मेरा कुछ भी कंटेंट रोज़ मिले, तो इंस्टाग्राम को फॉलो करो। आप लोगों को यहाँ यहाँ या फिर यहाँ किसी एक तरफ मैं अपना यूज़र नेम डालने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को मेरा लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, तो उसको भी चेकआउट कर लो और फॉलो भी कर लो। मैं भी फॉलो बैक करूँगा बाय द वे, तो गो फॉर इट। मेरी एक घड़ी है, ये चार्ज नहीं है और मुझको आजकल इतना आलस आ रहा है कि मैंने इसको चार्ज नहीं किया और चार्जर कहीं रखा हुआ है, और अभी मेरे को आज जाना है तो आई वॉज फाइंडिंग कि चार्जर कहाँ है, तो वो अब मिल नहीं रहा है। तो लेट्स फाइंड इट, एक बार और देखते हैं उसको, शायद मिल जाए। तो चलो चलते हैं। अलमारी मेरी काफ़ी गंदी कवर्ड, को इस पूरे फैले हुए सामान में अपना चार्जर ढूंढना है। और मुझे मतलब पता नहीं कैसे ये इतनी फैल गई है, अभी तो मैंने कुछ दिन पहले इसको शायद साफ़ किया था या नहीं भी किया था। तो अंकल वहाँ पे बिरयानी काटी, सबसे आगे बैठा हुआ है, चलो मांग लेते हैं। और एक तो इतनी महका रहे हैं, ऊपर से एसी भी नहीं चल रहा है, भूख भी लग रही है। हम तो खाना खा के आए हो, तो क्या हुआ, बिरयानी के लिए ऑलवेज रेडी। काले लग रहे हैं, बस नहीं दिखाओ, हम तो गोरे आ रहे हैं। चेहरा भी नहीं आ रहा सही से। हम तो गोरे आ रहे हैं, देखो हम कितने गोरे आ रहे हैं। अरे चलो, इस पे भी कमेंट चाहिए, कौन ज़्यादा गोरा लग रहा है यहाँ पे। टी शर्ट सेम है, गोरा बताना है कौन ज़्यादा लग रहा है। हम ही आएंगे नेक्स्ट। तो हम लोग जल्दी जल्दी करके, काफ़ी जल्दी करके बस स्टॉप पे आ चुके हैं, और इसी वजह से हम लोगों ने कुछ बताया नहीं, कुछ दिखाया नहीं, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए थे। तो कोई नहीं, अब व्लॉग यहाँ से हम लोग अगला चालू करेंगे और आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक गेस करो कि कहाँ जा रहे हैं और मुझे कमेंट चाहिए इस बार। लेट्स स्टार्ट। तो ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करिए। कुछ भी कमेंट हो तो उसको ज़रूर करिए। और अब सीधा मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।